सा लगाने का सही तरीका क्या है? सा का रियाज जब हम करते हैं तो किस ढंग से करें कि वो सही रियाज हो और हमारी आवाज़ में वो जो डेवलपमेंट होना चाहिए जो सा के रियाज से होता है वो हो पाए। तो आज उस पर ही हम चर्चा करेंगे कि सा ठीक से कैसे लगाया जाए, सा का रियाज ठीक से कैसे किया जाए, है ना। उसमें आकार भी आ जाता है और सा भी आ जाता है क्योंकि वो ध्वनि जो है वो सेम ही रहती है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और मेरा क्या तजर्बा कहता है, मैंने क्या सीखा है अपने गुरुजनों से कि सा का रियाज किस ढंग से करना चाहिए। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। रे तना रे 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 जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। राग भीमपलासी में गोपाल दास नीरज का ये गीत मेरे ही द्वारा कंपोज किया गया था। और लॉकडाउन में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने ही खुद ने तबला बजाया और स्प्लिट स्क्रीन में मैं ही गा रहा था। उस समय ये रिकॉर्ड किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। एक कोरोना का टाइम्स में मैंने एक कोशिश करी ऐसा एक प्रेरणा गीत देकर थोड़ा मनोबल बढ़ाने की। तो खैर, एक उसकी सी एक छोटी सी एक झलक आप सुन सकते हैं उसे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोबारा हम बात करते हैं कि सा का रियाज किस ढंग से करना चाहिए और क्या तरीका होता है जिसमें अगर आप उस वे में अगर रियाज करेंगे तो ही उसका असर होगा। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखने वाली ये है, सा इस अक्षर को सुने और इसके अंत की ध्वनि को समझें। वो स नहीं है, वो स नहीं है, है ना, वो स नहीं है। ये जो अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं ये नहीं है, वो सा है। उच्चारण अगर आपका साफ नहीं है तो गायकी प्रॉपर कभी नहीं हो सकती, रियाज कभी ढंग से नहीं हो सकता। आपको अगर सा बोलना है तो आ, ये आ की ध्वनि और आ की मात्रा देखिए आपकी कितनी है, वो आ इतनी बड़ी भी नहीं और अ इतनी छोटी भी नहीं है। जब हम वॉवल्स की प्रैक्टिस करते हैं जिसको वॉइस कल्चर के अंदर बताया जाता है कि जब अ आ ए ई उ, ये जो वॉवल्स हमारे जो स्वर हैं वर्णमाला के स्वर और व्यंजन होते हैं, तो इनका क्या उपयोग आता है संगीत में ये लोग नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो हिंदी है, ये तो भाषा है, भाषा का हमारे संगीत से क्या रिलेशन। संगीत में रियाज करना है तो सारे गम पध निसा का करो, है ना, ओमकार का करो, है ना, लंबी लंबी सांसों का करो, वो तो बिल्कुल करना ही है। लेकिन साथ ही साथ इन वॉवल्स का भी रियाज होता है, उच्चारण भी हम रियाज के अंदर मानते हैं। और ये चीज़ न कि सिर्फ सिंगिंग में होती है बल्कि वो थिएटर में भी होती है। अगर आप अभिनय सीखते हैं तो वहाँ भी ये होती है क्योंकि वहाँ भी डायलॉग बोलना है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप, डायलॉग्स को स्वरों में बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उच्चारण साफ होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उच्चारण अगर आपका क्लियर है तो ही आप ढंग से रियाज भी कर पाएंगे। मैंने एक वीडियो भी दिया था कि सारे गम होता है या सारे गामा, जो अक्सर लोग सारे गामा पाधा नीसा ऐसे करके रियाज करते हैं, वो क्यों करते हैं और उसका क्या उपयोग है। हाकार और आकार, इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो है। तो वही एक टॉपिक है कि सा का रियाज कैसा होना चाहिए। जब भी आप सा लगाएं तो कोशिश करें कि मुंह कितना खुल रहा है, उस पर गौर करें। ऐसा ना हो कि वो आप जब सा की प्रैक्टिस करें तो सा, ध्वनि ये भी सा की ही है और मुंह कितना खुल रहा है सा, वॉइस पंच कितना बाहर आ रहा है सा, बदला सा और बदला। तो आपने देखा कि मुंह का साइज
पर निर्भर करता है साउंड कितना बाहर आएगा। ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ही तो है, अंदर से वॉइस प्रोड्यूस आ रही है आपकी, प्रोड्यूस हो रही है, प्रोजेक्ट हो रही है, ये समझ लीजिए। आपने देखा होगा जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके अंदर रील लगी होती है, तो वो जितना ज़्यादा वाइड में प्रोजेक्ट कर सकता है उतना वाइड में ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पर आता है। तो उसी तरह से जितना ज़्यादा बड़ा मुँह होगा उतना ज़्यादा साउंड बाहर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम ही फाड़ लें मुंह को, क्योंकि वो भी गलत होगा, क्योंकि वो मधुरता आती ही नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था मेलेडी, मेलेडी के लिए भी आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। अब जैसे ये वही आवाज है, लेकिन मैंने इतना बड़ा मुंह खोल दिया और कंटिन्यूस करा तो कैसा साउंड आया, कर्कश सा। अब इसको ही आप है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ये मैंने ऐसा खोला तो ये अ का साउंड आया। ये ना तो अ है ना आ है, ये ए और अ का मिश्र है। ए ये नहीं होना चाहिए। जब सा का रियाज करें तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि अब जैसे ये होता है, ये अक्सर उन लोगों के साथ मुश्किल आती है ये, जिनकी भाषा साफ नहीं है, जो कर्नाटक साइड के हैं, साउथ साइड के हैं, तो उनका क्या है, वो थोड़ा उनका टोन ही वैसा रहता है, तो उस चक्कर में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना। तो उसको उसके लिए आपको थोड़ी अपनी भाषा पर काम करना पड़ेगा कि सा सा इस साउंड को सुने और बार बार सुने और कोशिश करें इतना ही मुंह खोले सा, और गाते समय भी सा ना कि सा, इतना भी नहीं फाड़ना है, इतना बड़ा भी नहीं करना है, सा नॉर्मल, जितने में आपका ये जबड़ा जो है ये पेन ना हो, है ना। और सा ये क्या कर रहा हूं मैं, आवाज बनावटी आ रही है और मैं कोशिश कर रहा हूं ये मेरा ये जो लोअर जो जबड़ा है ये बाहर आ रहा है, सा है ना, सा ये भी साउंड नहीं आना चाहिए। ये बहुत नॉर्मल साउंड है। एक साउंड आता है जो गले का साउंड है, ये साउंड नहीं आना चाहिए। कोशिश कीजिए आपके साउंड अंदर से डेवलप हो, नाभि से निकलता है जैसे कि साउंड हम कहते हैं, तो सांस पूरी भरे और कोशिश करें। थोड़ा स्टार्टिंग में वो हल्का रहेगा साउंड, लेकिन धीरे धीरे वो दम आ जाएगा उसमें, और वो कैसा है, वो ये साउंड है, सागमा पाधा। अब यही सागमा धा धनी धमा पा, ये बहुत हल्का कर रहे हैं, इतना भी हल्का नहीं करना है। ये सब सा के रियाज के अंदर ही आता है ना, क्योंकि जब सा का प्रॉपर रियाज होगा तो अपने आप बाकी स्वर आपके खुल जाएंगे। ये बहुत फॉल्सी टोन है, बहुत गलत टोन है ये, अब ये बहुत दबा लिया आपने, हवा निकल रही है, सुर नहीं आ रहा है, हवा है ये, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल साउंड है, ये कर्कश साउंड है, ये नहीं लाना है। देख लीजिए मुंह का साइज लगभग आपका भी इतना ही खुलना चाहिए, इससे ज्यादा खुलेगा तो वो साउंड निकल जाएगा। इसकी एक ट्रिक टेक्निक बताई थी मैंने, जब मैंने बताया था वॉइस कल्चर के अंदर, कि जब आप ऊपर के स्वरों में जाते हैं तो आ जो है वो पूरा नहीं बोला जाता है वहाँ पे। मैंने जब बताया था कि ओम श्री अनंत हरि नारायण तू ही तरण तारण नारायण, ये मेरे दादा गुरुजी ने मुझे सिखाया है, ये जब हम रियाज करते हैं, मतलब जब अपने आकार में इसको इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोफेशनल क्लासिकल गायकी का ये मंत्र है, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली ये वॉइस कल्चर के अंदर ही आ जाता है, और अपने आप क्या होता है, आवाज जो है आपकी जिस स्वर पे जैसी जानी चाहिए वैसी जाती है। जैसे आप करते हैं हरि नारायण रीना, एक तो आप ना खोलेंगे ऊपर यानी आ खोलेंगे तो वो फटेगा साउंड, आ ऐसा जाएगा, और हरि लेकिन क्या होता है, ये जो नोम तोम के आलाप है ये गीतों में नहीं होते, ये क्लासिकल का टच है। तो अगर आप गीत में जा रहे हैं और सा लगा रहे हैं और आकार लगा रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि वो आ रहे ना कि ए ना कि ए ना कि ओ ना कि ओ, ये साउंड्स नहीं आने चाहिए, सा आ आ, इसके लिए आपको बारह खड़ी का रियाज करना पड़ेगा, अ आ ए ई ऊ, है ना। रीजनल जो लैंग्वेज हो जाती है, रीजनल जो टोन आ जाता है भाषा में, उसके चक्कर उसके चलते ऐसे हमारे टोन्स बनते हैं। तो कोशिश करें कि सा ये टोन रहे, सा का रियाज ऐसे ही है, ठीक है। तो देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, ऐसे ही लाता रहूंगा मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही वीडियोस जिसमें कि अपने एक्सपीरियंस अनुसार कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करें हमारे दोनों चैनल्स को, संगीत प्रभा वर्ल्ड और मास्टर निषाद प्रोडक्शंस, जिसमें कि आपको नए सॉन्ग्स हमारे देखने को मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।